देखो, कल हमने तुम लोगों को बताया था प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन पर आधारित आंकिक प्रश्न है ना। दर्पण के दर्पण से संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसको समझाए थे हमने आपको। अपवर्तनांक से संबंधित कुछ प्रश्न समझाए थे, कुछ प्रश्न आज हैं और लेंस से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो वो हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/4 है। किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? जल का अपवर्तनांक। वायु को ए से व्यक्त करते हैं, जल को डब्लू से व्यक्त करते हैं। ए एन डब्लू बराबर है 3/4। ठीक है, और उसने कहा है कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष अपवर्तनांक आता है उसको रखते हैं हम पहले, और जिसका अपवर्तनांक निकालना होता है उसको रखते हैं बाद में। तो यहाँ पर था वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, और निकालना है हमें जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। जस्ट पलट गया, डब्ल्यू एन ए का मान हमें निकालना है, और जल के सापेक्ष जैसे एक माध्यम से प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जाए, तो दूसरे माध्यम से अगर प्रकाश की किरण पहले माध्यम में आ रही है तो अपवर्तनांक n का 1/n हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू एन ए बराबर हो जाएगा 1/AnW। बस इतनी सी बात थी। 1/AnW का मान है 3/4, 4 पहुंचा ऊपर कितना आ गया? 4/3। ये हो गया आपका आंसर। जल में प्रकाश की चाल 2.25×10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कौन से माध्यम में? जल में। कितनी है प्रकाश की चाल? 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी ये एक दूसरा माध्यम है वायु के सापेक्ष। अगर जल को हम देखें तो जल एक सघन माध्यम है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल इतनी है। हमने आपको कल बताया था कि प्रकाश की चाल किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है उसे हम v से व्यक्त करते हैं, तो v बराबर है हमारा 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और जल का अपवर्तनांक जो है वो 4/3 है, तो n बराबर कितना आ गया? 4/3 जल का अपवर्तनांक हो गया। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, या वायु में प्रकाश की चाल पूछ लेता हूं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को c से व्यक्त करते हैं। वायु निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से व्यक्त करते हैं, तो सी बराबर हमें निकालना है। सी बराबर हमें क्या करना है? निकालना है। और हमने सूत्र आपको बताया था v = c/n, v = c/n। तो हमें निकालना है सी का मान, तो सी बराबर क्या हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा v × n, है ना, v × n। वी का मान क्या है? 2.25×10⁸। एन का मान क्या है? 4/3। एन का मान है 4/3। 3 से भाग अगर हम देंगे तो 3×7 = 21, 0.7, और 3×5 = 15, 0.75, गुणा में था 4, गुणा में है 10⁸, तो 75×4 कितना हो गया? 300। दो अंक के बाद 0.3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इतनी ही चाल होती है वायु निर्वात, है ना। आप इसके बाद सुनो, हमने आपको बताया था लेंस, लेंस के बारे में समझते हैं। देखो, लेंस होते हैं दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, है ना, और अवतल लेंस को अपसारी के नाम से भी जाना जाता है। अब लेंसों के लिए अगर फोकस दूरी निकालना, किसी लेंस की फोकस दूरी निकालना है, तो आता 1/V - 1/U। दर्पण में होता था 1/V + 1/U। अब पढ़ने में तुम्हें लगता ही नहीं लगता ना, पढ़ लिया करो, तुम मन हुआ करे तो पढ़ लिया करो, ना हुआ करे तो कोई बात नहीं। अच्छा, पढ़ रहे तो कोई बात नहीं। ठीक, लेंस के लिए सूत्र क्या होता है? 1/A = 1/V - 1/U। उत्तल लेंस में समझ रहे हैं वंश, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। कैसे बनते हैं? वास्तविक बनेगा तो सीधा बनेगा, और लेंस के दूसरे पक्ष में बनेगा। और अवतल लेंस में, जो अवतल लेंस होता है इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आ रही ना बात समझ में?
उल्टा बनेगा तो उसी पक्ष में बनेगा जिस पक्ष में वस्तु है, जिस पक्ष में वस्तु है उसी पक्ष में बनेगा। क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो, चाहे उत्तल लेंस से रखी हो या फिर अवतल लेंस से रखी हो, सूत्र हमारा यही लगेगा, एक बटे बराबर एक बटे माइनस एक बटे यू। बात समझ रहे? अच्छा, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी और वस्तु की दूरी को काहे से व्यक्त करते हैं, वस्तु की दूरी को U से व्यक्त करते हैं। समझदार तो हो थोड़ा सा, तो U बराबर आ गया कितना, 40। अच्छा, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती या धनात्मक, या दोनों में से कुछ भी हो सकती? ऋणात्मक, सदैव ऋणात्मक है ना, माइनस की हो गई। और यदि लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को V से व्यक्त करते हैं ना, तो V बराबर 30 सेंटीमीटर। अब सोचो जरा, हमें प्लस रखना पड़ेगा कि माइनस? प्लस। लेंस से कौन सा? उत्तल। लेंस उत्तल है, और लेंस उत्तल है तो कैसा प्रतिबिंब बनाता? उल्टा, वास्तविक और उल्टा। जब वास्तविक और उल्टा बनाता तो दूसरे पक्ष में, दूसरे पक्ष में मतलब लेंस के दाएं पक्ष में, और लेंस के दाएं पक्ष में सभी दुनिया कैसी होती है? धनात्मक। तो फोकस दूरी हमें निकालना है, f का मान हमें निकालना है। तो सूत्र क्या है, एक बटे f बराबर एक बटे v माइनस एक बटे u। एक बटे v का मान कितना है? 30। माइनस एक बटे u का मान कितना है? 40। बात समझ रहे? यहाँ पर लगतव लेंगे कितना, 120। 30 का भाग 120 में जाएगा चार बार, 40 का भाग 120 में जाएगा तीन बार, एक बटे 120, एक बटे f बराबर आया, तो f बराबर कितना आया? 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर, तो ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी आ गई 120 सेंटीमीटर। ऐसे वस्तु की दूरी दी गई हो, प्रतिबिंब की दी गई हो, तो फोकस दूरी पूछेगा। फोकस दूरी दी गई है, प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, तो वस्तु की दूरी पूछेगा। मतलब तीन में से कोई एक वैरायटी दी गई है, दो वैरायटी दी गई है, एक तीसरी वैरायटी वो पूछता है। आगे बात समझ में? अगर मान लो इसी सवाल में वो ये पूछता कि रेखीय आवर्धन कितना होगा, इसी सवाल में क्या पूछता, रेखीय आवर्धन क्या होगा, ये एक रेखीय आवर्धन का एक सूत्र होता है। अगर वो पूछता कि रेखीय आवर्धन क्या होगा, रेखीय आवर्धन को हम m से व्यक्त करते हैं, कैसे? रेखीय आवर्धन को m से व्यक्त करते हैं, m बराबर होता है v बटे u। प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं लेंस के लिए, ठीक है। तो अगर हमें रेखीय आवर्धन निकालना है तो हमें u और v का मान निकालना है, U और V का मान निकालना है। देखो, U का मान दिया था 40 और V का मान दिया था 30। एक 40 और एक 30, तो यहाँ रखेंगे हम 40 सेंटीमीटर, यहाँ रखेंगे हम 30 सेंटीमीटर, चार बटे तीन, V का 30 है। अच्छा, 30 रख लो V का, कोई बात नहीं, V का 30 और U का 40, तो कितना आ जाएगा? 3/4। अगर हम यहाँ माइनस सहित रखेंगे तो माइनस और प्लस रेखीय आवर्धन में अगर हम चिन्ह सहित मान लेते हैं तो चिन्ह सिर्फ आपको ये बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। अगर आप माइनस चिन्ह चिन्ह सहित नहीं ले रहे तब भी आपका आवर्धन 3/4 ही कहलाएगा। अगर इसमें माइनस या प्लस आ रहा है तो आपको ये बताएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। कितनी बात समझ में आ गई? तो ये पहले चैप्टर से संबंधित सवाल थे, इनके अलावा भी अगर किसी में कोई दिक्कत पड़े तो मैं बता देता हूँ। कमेंट बॉक्स में।